बैक टू माय चैनल खुलुम भाई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और मैं सुनीता आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं बनाऊंगी नाफम मीन्स नामसिंग। दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसे नामसिंग के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं, मीन्स फर्मेंटेड फिश। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि नाफम किस तरह से बनाते हैं और इनमें हम किन किन चीजों को यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइब्स है, हर ट्राइब्स अलग अलग तरीके से इस नाफम को बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा बोडो ट्राइब्स। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा बोडो ट्राइब्स इस नाफम को किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो लोगोफोर आं आरो नोंथांमोननि सेर गोदान मोनसे वीडियो लानानै फैबोबाय। ओमफ्राय दिनै बानायनो नागिरदों जोङो नाफाम। सो नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जों बर'आ नाफामखौ माबायदि बानायो। सो बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयर खालामनो सानबाय। सो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो आङो माबायदि बानायो बेखौबो नायलांदो। थोदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आं बे थास'खौ मोजाङै सुना लानोसै बिगि। ओमफ्राय आङो बे नाफामाव थास' गोसोमखौनो होनोसै, मानो होनबा बे थास' गोसोमा जानोबो गोथाव जायो आरो मोजांबो, ओंखायनो आं थास' गोसोमखौनो होसिगोन। दोस्तों देखिए मैं इस तारो जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये इसे अच्छी तरह से हम धो लेंगे और मैं इस नाफाम में इस तारो स्टीम को ऐड करने वाली हूँ और इस तरह से हम छोटे छोटे करके टुकड़ों में काट लेंगे और साफ हम इस तरह से करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसे हम फेंक देते हैं और ये है हमारा ड्राई फिश। देखिए दोस्तों मैंने इस फिश को 3 दिन पहले ही बहुत ही अच्छी तरह से धूप में अच्छे से सुखा लिया और हमारा ये फिश बहुत ही अच्छी तरह से सूखना चाहिए, तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सुखा लिया है। इसे आग में भी थोड़ी सी सुखाया और धूप में भी सुखाया है और ये है हमारा ओखली। तो इस ओखली में अब मैं पीसने वाली हूँ इन दोनों को। फ्राय नहीं लगेफर दा जो देना लानसै बे ना फिसा फिसाखौ जोङो फुरानबाय। ओमफ्राय ना फिसायानो गोथाव जायो ना नाफामाव, ओंखायनो आङो ना फिसाखौनो फुरानबाय। बेखौ मोजाङै सानथाम जोङो सान्दुङावबो आरो अरावबो इसे फुरानबाय। ओमफ्राय दा थास' आरो ना गोरानखौ लोगोसे जोङो देफानोसै मोजाङै। थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर। तो देखिए हम इस तरह से पीस रहे हैं दोस्तों और इसमें से कोई भी बड़ा वाला पोर्शन नहीं रहना चाहिए, हम इसे पूरी तरह से पीस लेंगे। देखिए ये पीस के हो गया है, इस तरह से हम पूरी तरह से पीस लेंगे। नाइट लगेफर जोंनो कौन से देखांबाय ना देवबोगोन, इसे इसे खालामनासो देदो नालाय आरो दा खावसेखौ देवबावनोसै। देनोथ' जि खस्थ' ओमफ्राय जानोबा जि गोथावखा आरो ना, उफाय गैया। ओमफ्राय नै जोङो देखांसिगोनानो, ओमफ्राय देखांनानै आङो दा बे हालदै बिलाइ गांनै हानानै लायसिगोन, मानो होनबा बे हालदै बिलाइखौ जोङो हासुङाव बे मोखाङाव खपा होनानै होथेना दोनसिगोन। तो दोस्तो मे ये दो हल्दी के पत्ते तोड़ लिया है और ये हल्दी के पत्ते हमें जरूरी है। तो इस तरह से हम देखिए ये जो बैम्बो मैंने लिया है, इस बैम्बो में हम उसे रख देंगे। तो इससे पहले मैं धो लेती हूँ अच्छे से।
नैबे हासुङा आं इखौ मोजाङै सुना लाग्रोनोसै आं हासुङाव सुदोंगोन नालाय ओंखायनो हासुंखौ मोजाङै सुना लानोसै नै नायदो जि लेथ्रा दङ ना इफोरखौ दा सुजोबसिगोन ये अंदर का जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम इस कपड़े से अच्छे से साफ करेंगे नहीं वे बेटी मचंग यांग बे साफ पखल हम जिप्सी किनारे को इस तरह से हम अच्छे से साफ कर लेंगे नै नायदो लोगोफोर साफा जाबाय नै बेबायदि जोङो साफा खालामना लाबाय देखिए दोस्तो ये अच्छे से साफ हो गया तो अब ये है हमारा जो नाफाम तो इसमें हम थोड़ी सी खार ऐड करेंगे देखिए हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे बस थोड़ी सी दो चम्मच हम इसमें खार ऐड कर देंगे जोङो बेयो खारै से होबाय खारैखौ बारा होआ इसेल' होदों खारै होबा ये गोथाव जायो मोजां जायोनो ओंखायनो माने जोंहा खारै होयो आरो बिदि नाफामाव खारै इसे ओमफ्राय हालदै इसे बिदि होयो जानो गोथाव जायोनो बिदि ओंखायनो और ये है थोड़ी सी हल्दी तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम जो बेम्बो मैंने धो के लिया था उस बेम्बो में हम इन नाफाम को सब कुछ वहाँ पे डाल देंगे तो देखते रहिए तो देखिए इस तरह से हम इस बेम्बो में सबको डाल देंगे नहीं लगे फिर जो नाफाम को भी गासिखौबो सोजोबनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आजिखालि बांसिनानो बयामु सोयो किन्तु जोंहाबो बयामु सोयो होमबाबो माने बयामनि आरो हासुंनि सोनायनि बे टेस्टआ बेलेग जायो आरो ना ओंखायनो जोंहा हासुङावनो सोबाय बिदि हासुंनिया बांसिन गोथाव जायो और दोस्तो इस तरह से हम अच्छे से इसे डाल दिया है तो देखिए तो अब ये जो हल्दी के पत्ते हैं इन हल्दी के पत्ते को हम इस तरह से फोल्ड करके इसे बिल्कुल भी हवा नहीं घुसने के लिए हम इसे बंद कर देंगे नहीं बेबायदि मोजाङै हल्दी बिलाइखौ थननानै बे खुगाखौ होथेना दोनसिगोन माने बार हाबिनि थाखाय आरो बार हाब्बा मुसिगोन बा गाज्रि जागोन बा एम्फौ नांगोन ना ओंखायनो मोजाङै बेखौ होथेजोबनोसै अगर दोस्तों इसमें अगर हवा थोड़ी सी भी अगर घुस जाएंगे तो इसमें फंगस या फिर कीड़ा या फिर ये खराब हो जाएगा डैमेज हो जाएगा तो इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी भी हवा घुसने के लिए मतलब रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए तो इस तरह से हम ये हल्दी के पत्ते को अच्छे से इसमें घुसाकर टाइट कर देंगे और साथ ही ऊपर से हम जो हमारा एस जो होता है उससे हम इसे लेप देंगे नै जि आरामनो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौ लिरथेना होसिगोन ये है दोस्तो जो हमारा आग से निकला हुआ एस जो है इस एस से हम इसे पूरी तरह से लिप देंगे
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से हो गया है। साबाई नहीं लगे फिर मत चांगे लिए थे जबाई। देखिए मेरी मम्मी कर रही है बहुत ही अच्छे तरह से। तो अब हम इसे जो प्लास्टिक है प्लास्टिक से बांध के रख देंगे। और अब हम इसे बिल्कुल भी 15 डेज तक नहीं खोलना है। आफ्टर 15 डेज के बाद हम इसे खोल कर देख सकते हैं कि ये हुआ है या नहीं, या फिर 1 मंथ के बाद भी देख सकते हैं। और ये जितना दिन रहेगा जितना देर रहेगा उतना ही ये खाने में टेस्टी बनेगा। तो फाइनली लगे फर नहीं जा भाई प्लास्टिक जंग खा थे ना नहीं खुद मिसी दा और अब खाती हो दिन सीगन दा 15 डेज नहीं उन्हों भी खुब खोना नहीं नाइन से प्रेजाजा सीगन भो। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया, ये अच्छी तरह से हमने इसे बांध दिया है। तो इसे अब हमें बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। आफ्टर 15 डेज के बाद हम इसे खोलकर देखेंगे कि अच्छी तरह से हुआ है या नहीं। तो देखते रहिए दोस्तों, आप लोग भी 15 डेज वेट कीजिए। सो फ्रेंड्स आगे नहीं डुबी फ्रेश बजा भाई ओमफ्राय दा इसे उखुनाय मोनदों इनखायनो आं सानबाय माबा मोनसे संनानै जानोसै होननानै। ओमफ्राय दाथ' ओंखाम जानो गोसो गैया, थुप्पाखौनो संना जानोसै। इसे नुदोल्स जानो लुगैदों गुदुं गुदुं, ओंखायनो अमा बेदर इसे लाबोना दोनफैनाय दङ फोरानना दोनदों। अमा बेदरजों दा थुप्पा संना जानोसै आङो। सो नायलांबाय थादो लोगोफोर, थुप्पा नुदोल्स खौ लाग्रोनोसै। नुदोल्स सो नै नुदोल्स नहाने के बाद, मैं फ्रेश होने के बाद सोचा कुछ बना के खा लेती हूँ। थोड़ी सी भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा ये थुप्पा बनाकर खा लूंगी। दिन को थोड़ा सी दिन का थोड़ा सा पोर्क लाके सुखाया हुआ था, तो मैं पोर्क के साथ ये थुप्पा नूडल्स बना के खाने वाली हूँ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। तो थुप्पा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ड्राई पोर्क सूखा हुआ, ये है जिंजर, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कैरेट, और ये है अनियन, ग्रीन चिली, ये कोरिएंडर, और इस तरफ है स्प्रिंग अनियन, और साथ ही 4 छोटी सी गार्लिक। तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं नूडल्स को उबालने के लिए पानी गर्म कर लिया है, तो मैं यहाँ पे नूडल्स ऐड कर दूँगी। दा लोगोफोर बे दुइ गुदुङाव आङो बे नुदोल्सखौ रुना लाग्रोनोसै दसे 2 मिनिटनि थाखाय। तो देखिए ये हो चुका है दोस्तों, अब मैं इसे उठा लूँगी। नै लोगोफोर जाबाय बियो, बारा गोबाव बिखौ रुजाया, नङाबा ये गेब्लेजोबगोन। ओंखायनो दसे 2 मिनिटनि थाखायल' बिखौ इसे रुनांगौ। ओमफ्राय नै आं दे बे बसना नायबाय बिदि, बे जबाय नालाय बे जाखाबाय। सो बिखौ आङो दा बोखांना लानोसै। ओमफ्राय दा लगे लगे बेयाव दै गुसुजों जोङो सुखानांगोन, नङाबा ये सोथाबजोबगोन। ओंखायनो तो ये मे ठंडे पानी से इसे धो लिया है। देखिए हमारा नूडल्स इतनी अच्छे से बन गया है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो यहाँ पे मैंने पैन बिठा दिया है, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। नायलांग बैठा दे लगे फिर आं माबड़ी सोंगा थुप्पा खो। जोङो बेदरखौ मोजां एवफ्रामना लानानै दा बेयाव होगोन इसे संख्रि, आरो संख्रिखौ आं नांजासे होखाबाय। आरो दा लोगोसे होगोन जोङो बेयाव हाइजें फिसा फिसा हाना दोननायखौ, हाइजेंखौबो आं एवना लानोसै। आरो लोगोसे सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय बानलु गोथां, ओमफ्राय बे जाबाय सामब्राम गोजा, ओमफ्राय लोगोसे गाजर इसे मोननैखौबो मोजाङै एवनोसै। एवखांनानै दा बेयाव इसे आङो पियाज बिलाइखौ, सामब्राम गोजा बिलाइ बेखौ इसे होबाय, आं खावसेल' होदों। ओमफ्राय दा बेयाव आं हालदै इसे होसिगोन, हालदैखौ बारा होआ, इसेल' होगोन।
ओमफ्राय दा मस्लाफोरखो होजायो ओमफ्राय मस्ला थक बारा होआ बियो आं गुलमुरिस देनाय बेखौ एसे होबाय ओमफ्राय लोगोसे आं होगोनियाव एसे गरम मस्ला एसे मोदोमनायनि थाखाय ओमफ्राय दा इयाव होगोन चिलि पाउडार पेकेटनि जन्द' चिलि पाउडार आं बेखौनो होबाय दा एसे एरनानै बेयाव जोङो दैखौ होखानोसै ओमफ्राय दा दै होनानै दसे एक मिनिटनि थाखाय बेखौ फोमोननोसै फोमोननानै उनाव जोंना जोंथ' नुडल्सखौ रुना दोन्दोंमोन ना बेखौ जोङो होखासिगोन देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से उबल रहा है तो अब हम यहाँ पे जो हमारा उबला हुआ नूडल्स है उस नूडल्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दूँगी ओमफ्राय इसे आं इयाव डार्क सोया सॉस होबाय दा बेखौ मोजाङै एरनानै दसे गुदुनो होनोसै ओमफ्राय दा बेयाव होसिगोन दहायनि सामब्राम बिलाइ एसे थानायखौ आं इयाव होबाय आरो लोगोसे दुन्दिया बिलाइ तो साथी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन और कोरिएंडर दोनों को ऐड कर दिया है तो देखिए दोस्तों हमारा थुप्पा बनके तैयार हो चुका है तो मैं इसे सर्व कर लूँगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा थुप्पा बनके तैयार है और दोस्तों थुप्पा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बहुत ही जल्द बन जाता है तो देखिए फ्रेंड्स मेरा थुप्पा बनके तैयार है वाओ नाइट लगे फोर आंना थुप्पाया जाबाय लुगैबाय आङो गुदुं गुदुं जानोसै से गन्थंफोर नाथिजोबनाय गगा मोननायफ्रा स्रां मोनजोबगोन दा मोजां मोनलायगोन जोंहा आइआबो जागासिनो आइआ एसेल' जादों बारा जाया बे फसाया नालाय बारा ओमफ्राय खिसा बाबाया जोङो जागासिनो ओमफ्राय लोगोफोर होमबा थाबैनो लोगो मोनबावगोन आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै दिनैनि थाखाय सेमनो स' बाबाय फिर मिलते दोस्तों एक नए भिडिअ के साथ तो आजके लिए इतना ही बाबाय